हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मायसेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माय यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर फ्रेंड्स, माय कोचिंग क्लासेस इज कादरी कोचिंग क्लासेस। थ्रू कादरी कोचिंग क्लासेस एंड थ्रू माय यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी, ऑल ऑफ यू सिंपली बी नोइंग वी हैव गिविंग a very important lecture in alternate day. So a humble request to all of you, first of all you subscribe my channel Alimuddin Sheikh Qadri, then you watch to the my all YouTube videos. My dear friend, already I have promised to you, I have given in this time of period, in those categories of lecture, those you are very very important for your board examination paper. So my dear friend, according to this topics we have discussing here today, fungus, that means fungi, and our main and important topic is the different types of fungi. My dear friend, already we have discussing in class 9th within the phylum thallophytes. All of you know, all of you study what are the differences between algae and fungus, what are the characteristic in between algae and fungus, what are the symptom, what are the differences, also we have discussing here. And with and the systematic position of these categories of plants also you have known. But in the case of higher classes, class 10th, 11th, 12th, so my dear students, today we have discussing here a very very important topics. Those topics are very important for you. So today we have discussing here different types of fungus or different types of fungi. First of all, I have discussing here what is the history of the fungi. आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा history of fungi. मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से और अपने कोचिंग क्लासेस कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी लोगों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य को अध्ययन कराने चल रहे हैं। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप लोगों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे ये नॉलेज जो हम दे रहे हैं रेगुलर डिस्ट्रीब्यूट होता जाए। माय डियर फ्रेंड, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहूंगा कि टर्म जो फंगस आया, फंगस टर्म जो आया सिंपली ए थैलोफाइट्स का सेकंड फॉर्म है। थैलोफाइट को अगर ये कहा जाए ए लार्जेस्ट फाइलम इन द वर्ल्ड। माय डियर फ्रेंड, विद इन द थैलोफाइट्स फंगस आर इवॉल्व, इट मीन्स द सेकेंड पोजिशन ऑफ द फंगस इन द सिस्टमेटिक पोजिशन, द सेकेंड पोजिशन ऑफ द फंगस। सो वी हैव सिंपली बी टोल्ड कि थैलोफाइट इस पूरे वनस्पति जगत का दूसरा, जिसमें हम फंगस की स्टडी करते हैं, ये सबसे बड़ा फाइलम है। ये फाइलम सबसे बड़ा है। आइए थोड़ा सा इसके विषय में और डिस्कस करते हैं। ये विषम रूपी उपसमूह है, विषम रूपी का है तो हेट्रोजीनस। अगर हेट्रोजीनस है तो इस हेट्रोजीनस की कंडीशन में और कौन कौन से कमेंट आएंगे, आइए एक एक करके अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर फंगस
is all simply be occurred to the all over world, not be our India, not be our any other countries. It means fungus is a cosmopolitan. Fungus is a cosmopolitan. Already I have discussing to you what is the simple meaning of cosmopolitan. Vishwavyapi. कासोपाल्टन की हिंदी हमने बताया था आप लोगों को कि ये इसका अर्थ होता है विश्वव्यापी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ऐसे प्लांट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जा रहे हैं, उनको हम कॉस्मोपाल्टन के नाम से जानते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज आपकी समझ में आ जाना चाहिए था और आ जाएगा कि हमारे लिए फंगस कितने ज्यादा उपयोगी है। माय डियर फ्रेंड, उपयोगी ही नहीं हानिकारक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हम आज आपको इसके उपयोग के विषय में बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, हमारे यहां इसकी कुल लगभग 1,00,000 जातियां पाई जा रही हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में कासोपाल्टन है। पूरे विश्व भर में इसकी लगभग 1,00,000 जातियां पाई जाती हैं। जब 1,00,000 जातियां पाई जा रही हैं, तो इन जातियों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? पीर एंटोनियो माइकेली ने किया। किसने किया? पीर एंटोनियो माइकेली ने किया। और पीर एंटोनियो माइकेली ने जब इसका डिस्कस किया, उन्होंने अपनी भी एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। नोट करते चलिएगा आप लोग, नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा कि नोवा प्लांटेरम जेनेरा, और जिस पुस्तक को लिखा 1729 में। ईयर आप लोग एकदम कंठस्थ करके चलिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर जो मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर अशोक कुमार बेंद्रे एंड बेंद्रे की बुक से दे रहा हूं, और ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। आज मैं उस बुक से आपको लेक्चर दे रहा हूं कि पीर एंटोनियो माइकेली ने सबसे पहले इन्होंने थायरोफाइट का अध्ययन किया और अपनी एक पुस्तक लिखा इन 1729 में। इनकी पुस्तक का नाम था नोवा प्लांटेरम जेनेरा। क्या नाम था? नोवा प्लांटेरम जेनेरा। इस पुस्तक में इन्होंने, मैंने आपको बताया कि लगभग 1,00,000 स्पीसीज का वर्णन किया, इसीलिए पीर एंटोनियो माइकेली को कहा जाता है कि पीर एंटोनियो माइकेली इज द फादर ऑफ म्यूकोलॉजी, फादर ऑफ म्यूकोलॉजी, क्योंकि जो फंगस है टर्म म्यूकस से बना है और म्यूकस टर्म लिया गया है म्यूकोलॉजी से। सो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए इसको कहा गया म्यूकोलॉजी। क्या बोला गया? म्यूकोलॉजी बोला गया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर ये म्यूकोलॉजी है तो आप देख सकते हैं, आइए हम एक एक करके इसके विषय में अध्ययन करना चल रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले माइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और माइकोलॉजी शब्द जो आया, या आया जो है माइकस से। माइकस की सिंपल मीनिंग होती है मशरूम। क्या मीनिंग होती है? मशरूम मीनिंग होती है। अर्थात अब आपकी समझ में आ गया होगा, हम ऐसे फंगसों का अध्ययन करने चल रहे हैं जिसे मशरूम का अध्ययन करेंगे, मशरूम कैटेगरी के प्लांट का अध्ययन करेंगे। मींस दोज कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स, दोज हु हैव नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, ऐसे कैटेगरी के पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगर जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, माय फ्रेंड, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन दिस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स सिंपली बी नोन एज ऑटोट्रॉप्स, बट ऑल कैटेगरीज ऑफ फंगस नॉट बी ऑटोट्रॉप्स, दिस इज अ हेटरोट्रॉप। क्या है? हेटरोट्रॉप्स है, परपोषित है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। आइए इसी विषय में देखा जाए, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट बताया कि ऑल कैटेगरीज ऑफ थायरोफाइट्स दे आर नॉट बी डिवाइडेड इन बिटवीन रूट लीव्स एंड स्टेम, ये थायरोफाइट के कमेंट हैं, एंड सिंपली बिलोंग टू द फंगस, जो फंगस से बिलोंग करते हैं। सेकंड आपने देखा कि फंगस की मुख्यतः फंगस की जो लेयर होती है, भित्ति होती है,
ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन कीटों की क्रस्टेशियाई या वह कंकाल, बाह्य रूप से पाया जाने वाला कंकाल, वह कंकाल के रूप में भी पाया जाता है। काइटिन किसी भी इंसेक्ट को देख लीजिए, पेरिप्लेंटा अमेरिकाना, पेरिप्लेंटा ब्लाटा, पेरिप्लेंटा ओरिएंटेलिस, किसी भी इंसेक्ट को देखिए, उनकी बॉडी वॉल काइटिन की बनी होती है। और अगर इनकी बॉडी वॉल काइटिन की बनी है तो जाहिर सी बात है कि ये फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। क्या है? फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। और इसी में आपने देखा कि इसमें इट कंप्लीटली आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कंप्लीटली आउट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और है तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, हाउ कैन इट मेक देयर ओन फूड? माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड टू यू, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, दिस वन नॉट बी ऑटोट्रॉप्स, दिस वन ये हेटरोट्रॉप्स, ये परपोषी है ना कि स्वपोषी है। अगर ये परपोषी है तो परपोषी के केस में अगर हम डिस्कस करें, बताएं आपको, तो उसमें कुछ मृतोपजीवी आते हैं, मृतोपजीवी मरे हुए सड़े गले पदार्थों पर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर आते हैं, और कुछ जो होते हैं इसमें पैरासाइट फॉर्म में आएंगे, कुछ ऑब्लिगेट पैरासाइट आएंगे, कुछ फैकल्टेटिव पैरासाइट आएंगे। आइए अब एक एक करके देखा जाए कहां पर किस प्रकार के प्लांट आ रहे हैं और उन्हीं प्लांटों का डिस्कस किया जाए। तो आपने देखा कि ये पहले मैं परजीवी पर डिस्कस करना चल रहा हूं, आप देखिए कि पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी की प्रक्रिया इसमें कैसे किस प्रकार से चलती है। परजीवी का मतलब मैंने आपको सिंपली बता दिया कि इन दोज कैटेगरीज या प्लांट हैज नॉट बी मेक देयर ओन फूड इटसेल्फ, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। अगर ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तो सिंपल सी बात है कि भोजन के लिए किसी और के ऊपर आश्रित होंगे। इन सब के फिगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कुछ वाय परजीवी होते हैं, कुछ अंतः परजीवी होते हैं। माय डियर फ्रेंड, कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, कुछ इंटरनल पैरासाइट होते हैं। आइए अगर आपको एक्सटर्नल पैरासाइट के विषय में ढेर सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, आइए कुछ इंटरनल पैरासाइट के विषय में देख लिया जाए। जैसे हमारे बॉडी में स्कैरिस है, इंटरनल पैरासाइट है, लेकिन फंगस नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं पैरासाइट की बात कर रहा हूं, मैं परजीवी की बात कर रहा हूं जो इंटरनल पैरासाइट है। ये इंटरनल पैरासाइट हो गया, लीवर फ्लूक देख लीजिए, टीनिया सोलियम देख, इंटरनल पैरासाइट है। ये लिविंग थिंग्स में है, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, बट ये इंटरनल पैरासाइट हैं। आउट कैटेगरी के पैरासाइट में आपने देखा ये सब अंगस, जितने भी फंगस आ रहे हैं सब फंगस आ गए इसमें। अब इन फंगसों की श्रेणियों को देखा जाए तो मैंने आपको ढेर सारे सिम्टम आपको इसमें बताए हैं फंगसों की श्रेणियों में। सबसे पहले आपको हम बताएंगे अविकल्पी फंगस क्या होते हैं, अविकल्पी परजीवी क्या होते हैं, जिसको हम कहेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट। माय डियर फ्रेंड, नंबर हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बी नोटेड डाउन, व्हाट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मींस होता है एक किसी जीवित परपोषी से ही अपना भोजन लेते हैं। याद रखिएगा, इन दोज कैटेगरीज ऑफ पैरासाइट दोज आर कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द अदर लिविंग थिंग्स। एक किसी जीवित परपोषी से ही अपना भोजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाते। ऐसे पैरासाइट को बोला जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब देखिएगा फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, जिसको कहा गया विकल्पी परजीवी। क्या बोला गया इसको? विकल्पी परजीवी बोला गया, ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला गया। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट के केस में अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से मरे हुए सड़े हुए पदार्थों पर भी देखे जाते हैं, या ऐसे वहां से अपना न्यूट्रिएंट, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, या फिर सामान्य परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन आरंभ करते हैं। अब आता है तीसरा, मृतजीवी। मृतजीवी जिसको हम कहते हैं कि ये मृतजीवी है, अर्थात ये फैकल्टेटिव पैरासाइट में ये सैप्रोफाइट है। ये देखते हैं सैप्रोफाइट, मृतजीवी, मृतजीवी सैप्रोफाइट। इन दोज कैटेगरीज ऑफ थायरोफाइट्स आर फंगस,
those who are completely survived their own life on the dead and decaying matter, not be lying matter on the dead and decaying matter. ये सिर्फ और सिर्फ सड़े गले पदार्थों से ही अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं. तो आपने देखा इस तरह से मैंने आपको ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, सेप्रोफाइट, अब यहां पर सेप्रोफाइट तक मैंने बता दिया. अब मैं कुछ और डिस्कस करने चल रहा हूं कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होते हैं. ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट माई डियर फ्रेंड, विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी क्या, सेप्रोफाइट विकल्पी मृतोपजीवी क्या होते हैं. विकल्पी मृतोपजीवी का मतलब होता है कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर तो ग्रो कर सकते हैं, वहां से प्राप्त होते हैं, जैसे म्यूकर है. क्या है म्यूकर? म्यूकर एक ऐसा प्लांट है जो कि नॉन क्लोरोफिलस है, फंगस की श्रेणी में आता है. यह एक ऐसा है जो कि विकल्पी परजीवी के रूप में आता है. तो आपने देखा अविकल्पी, अब विकल्पी परजीवी के रूप में आइए देखते हैं, जैसे पिथिकस आता है. पिथिकस, पिथिकस के केस में ये मृतोपजीवी है, मृतजीवी है. जो जीव सड़गल जाते हैं, मर जाते हैं, सड़गल जाते हैं, तो वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर जो है एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल, स्क्रेटा वगैरह जहां पर फेंके जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वहां पर जाकर के ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनको ज्यादा मात्रा में मिलता है. डेड एंड डिकेइंग मैटर इनको ज्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए वहां पर जाकर के सर्वाइव करते, लाइव करते, जीवित रहते हैं. तो इस तरह से आपने देखा. और लास्ट का मैं आपको बता दूं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने चल रहा हूं, सहजीवी सिम्बायोटिक लाइफ. माय डियर फ्रेंड, सिम्बायोटिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिम्बायोटिक, जब दो कवक मिलकर के सहजीवन दिखाते हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूं, हमारे पास रेड पेन है और आपके पास जो है, हमारे पास रेड पेन है और आपके पास ब्लू पेन है. आवश्यकता पड़ने पर हमने आपकी ब्लू पेन ले लिया और आपने हमारी रेड पेन ले लिया, लेकिन पेन तो रेड हमारी ही है ना. वर्क दोनों का चल रहा है. रेड आप यूज कर रहे हैं, रेड हम भी यूज कर रहे हैं, ब्लू आप भी यूज कर रहे हैं, ब्लू हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पेने दो लोगों की है. अर्थात इस तरह का जो परजीवी होगा उस परजीवी को कहा जाएगा सहजीवी. क्या बोला जाएगा? सहजीवी, जो एक दूसरे के साथ रह करके आपस में सहजीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रह करके सर्वाइव करके अपने सहजीवन को व्यतीत करते हैं. सो माय डियर फ्रेंड, अगर अपने सहजीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपने सहजीवन को सर्वाइव कर रहे हैं, अलाइव कर रहे हैं, तो इनमें भी कुछ स्थिति आती है. जैसे एग्जांपल के स्वरूप में आपको बताना चाहूंगा, लाइकेन. आप लाइकेन को देखिए, लाइकेन या रहने के लिए पौधे से किसी अन्य वृक्ष पर रहता है तो उसके उसको होस्ट बना लेता है, उसको होस्ट बना लेता है, रहने के लिए स्थान लिया उससे, और उसके बजाय उसको क्या दिया है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है. अर्थात दोनों ही परिस्थितियों में दोनों एक दूसरे के लिए लाभदायक हैं, लेकिन अकेला लाभदायक होना यह सेप्रोफाइट की पहचान नहीं होती. ये जो है, अगर ये हम कह दें कि यह सिम्बायोटिक की पहचान है, सहजीवी की पहचान है, सहजीवी की पहचान यह नहीं है. सहजीवी का मतलब यह होता है कि जहां पर दो के दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हो. जब तक ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, तब तक हम इनको सहजीवी की श्रेणी में नहीं ला सकते, इनको सहजीवन की श्रेणी में नहीं ला सकते. तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी आपको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करते चल रहा हूं, और अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कादरी के माध्यम से मैं आपको बताते चल रहा हूं. माय डियर फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया कि आप सभी लोग मेरे पूरे वीडियोस को देखिएगा, और एग्जाम के लिए मैं अब जितने वीडियोस हमारे जा रहे हैं सब टोटल आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं. अब मेरे पास कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम आपको एक्स्ट्रा वीडियोस भेज सके. सिर्फ और सिर्फ मैं वही वीडियोस भेज रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से है कि टोटल वीडियो जो भी डिलीवर्ड किए जा रहे हैं आप सभी लोग उसको पूरी तरह से देखें,
अगर उसमें कोई पॉइंट आपकी समझ में ना आ रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, उसका आंसर पूछिए, उसको आपको बताया जाएगा एक कहां से क्वेश्चन लिया गया, कहां से इसका आंसर आएगा, कैसे आंसर आएगा, इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स आपके सामने जो थ्रू बुक्स आपके सामने रखे जाएंगे। इसलिए मैंने बताया कि मैं कोई इंडिविजुअल एक ही बुक से नहीं स्टडी कर रहा हूं, आपको एक ही बुक से स्टडी नहीं करा रहा हूं, आपको मैं ढेर सारी बुकों को का मुताला करके अध्ययन करके उनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक थीसिस तैयार करता हूं, उसी थीसिस का मैं लेक्चर देता हूं आप लोग सामने। आप लोगों सामने जो मैं लेक्चर देता हूं ये ढेर सारी बुकों की का जो है निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रख करके चलिए और हर वीडियोस को आप लोग पूरी तरह से वॉच करिए, देखिए। माय डियर फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। मैं कवक मूल के विषय में आपसे बातें करना चाहता हूं कि कवक मूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक कोष की मिनी यूनिसेलुलर कवक मूल क्या होते हैं और जो है ये एक यूनिसेलुलर कवक मूल, एक यूनिसेलुलर कवक मूल में आप देखेंगे कि इसमें थैलस केवल एक कोशिका का बना होता है, थैलस इसमें केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे सिंकाइट्रियम, सिंकाइट्रियम एक कोशिकी का होता है, सैक्रोमाइसिस या ईस्ट एक कोशिकी के होते हैं, सैक्रोमाइसिस या ईस्ट खमीर बनाया जाता है, सैक्रोमाइसिस या ईस्ट एक कोशिकी के होते हैं। और इसी में फंगस को अगर देखा जाए और कैटेगरी को देखा जाए या अंडर कैटेगरी या प्लाज्मोडियम को देखा जाए, ये भी एक कोष की होते हैं लेकिन इंटरनल पैरासाइट है। क्या है? प्लाज्मोडियम इंटरनल पैरासाइट है, चाहे हमारी बॉडी में हो या फिर जो है मस्क्यूटो की बॉडी में हो, लेकिन ये इंटरनल पैरासाइट हैं, आंतरिक परजीवी हैं। माय डियर फ्रेंड, अब हम आपको बताएंगे थैलस कुछ पट रहित होते हैं, कुछ पट सहित होते हैं। अब आप देखिए पट रहित क्या है और पट सहित क्या है। आइए कुछ एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं मैंने राइजोपस का एक प्लांट बनाया है और राइजोपस के प्लांट में मैंने कोई सेप्टा नहीं कहीं पर बनाया है, कहीं पर कोई सेप्टा नहीं बना। सेप्टा का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं यहां पर आपको समझा देना चाहता हूं। इस प्रकार से मैंने देखा कोई लेयर यहां पर नहीं बनाई गई है, अगर कोई लेयर नहीं बनाई गई है, कोई सेप्टा नहीं बनाया गया है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे को हम एसिप्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिप्टेट बोलेंगे, अर्थात इसमें सेप्टा का पूरी तरह से अभाव होता है। क्या होता है? सेप्टा का पूरी तरह से अभाव होता है। जब एसिप्टेट है, ये तो एक तो एसिप्टेट हो गए, एसिप्टेट का सिंपल सा आंसर मैंने दिया जो पट रहित है, अर्थात पटों की संख्या का अभाव होता है, पटों का अभाव होता है। और अगर इसमें पटों का अभाव होता है, जाहिर सी बात है ये फाइकोमाइसिटीज के हैं और फाइकोमाइसिटीज के होने के कारण पटों का अभाव है, इनके तंतुओं की लंबाई जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा होगी, इनके तंतुओं की लंबाई वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इनमें पटों का अभाव है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इनमें पटों का अभाव है। इसमें मैं आपको और भी कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट करके बता दे रहा हूं कि जिनमें जैसे राइजोपस के केस मैंने बता दिया इसमें पटों का अभाव है। अब आइए देखते हैं पटयुक्त कौन कौन से हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर हम पटयुक्त की गणना करें तो डिटोरोमाइसिटीज में चलते हैं, डिटोरोमाइसिटीज में एम्फरफेक्टाई फंगस जो होता है इसमें सेप्टा बनते हैं, बैसिडियोमाइसिटीज में आ जाते हैं, ये बैसिडियोमाइसिटीज में आ जाते हैं और इन बैसिडियोमाइसिटीज में आपने देखा कि बीच बीच में सेप्टा बन जाते हैं, भित्तियां बन जाती हैं और जो बीच बीच में इनकी भित्तियां बनती हैं इन भित्तियों से ये सिपरेट हो जाते हैं, इनको साइटोप्लाज्म इनको माइक्रोप्लाज्म एक दूसरे से सिपरेट हो जाते हैं। ये सिपरेशन, ये प्रोसेस, ये थियरी, ये पॉइंट्स, ये सभी चीजें आपके जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने देखा कि सेप्टेट क्या होते हैं, एसिप्टेट क्या होते हैं। सेप्टेट का मतलब इसे सेप्टा पाया जाए, एसिप्टेट का मतलब इसे सेप्टा नहीं पाया जाए। किस में? इनके माइसीलियम में, इनके माइसी हाइफा मत बोलिएगा, माइसीलियम बोलिएगा, इनके माइसीलियम में सेप्टा, क्योंकि अभी ये जो है म्यूकस से बने हैं, माइकॉस से बने हैं और माइकॉस शब्द लिया गया है, माइकॉस की मीनिंग म्यूकस से ली गई और जिसको जोड़ा गया मशरूम से,
इनमें कवक जाल मिट्टी के नीचे काफी दूरी तक एक दूसरे के साथ फैले हुए होते हैं। अगर आप ये चाहें कि इनके एक कवक जाल को निकाल लें, एक पौधे को निकाल लें, तो इनका कवक जाल समाप्त हो जाएगा। इट्स नॉट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो जो चीजें इसके इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट हैं, उन पॉइंट्स के विषय में मैं डिस्कस कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए देखते हैं, इसमें हम आपको और भी चीजों के विषय में अध्ययन कराएंगे। यहां पर आप देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैंने फंगस के विषय में अध्ययन किया है, जो आपका अनुमान है, जो आपका शीर्षक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। इसमें पहले देखिएगा एगारिकस मशरूम, जिसको आप बोलते हैं, काफी कॉस्टली है, लेकिन ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड, वे मशरूम कॉस्टली नहीं होते जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ग्रो कर जाते हैं। सिंपली जहां पर आपने एनिमल के वेस्ट मटेरियल को रख दिया वहीं पर ये ग्रो कर जाएंगे, ऐसे फंगस नहीं। इनकी अगर अलग से कल्चरिंग की जाती है, खेती की जाती है। इसी के आगे आप देखिएगा मशरूम हो गया व्हाइट कलर का, नॉन क्लोरोफिलस। अगला देख रहे हैं राइजोपस, राइजोपस में अगर इनके सेप्टा को अलग कर दिया जाए, इनके जितने सेप्टा को अलग कर दिया मैंने, तीनों के तीनों सेप्टा को मैंने अलग कर दिया, अलग करने पर सेपरेट होकर नए प्लांट को बना लेंगे। अब आप देखिएगा माय डियर फ्रेंड, यहां पर ये जो है ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स, ध्यान दीजिएगा, नॉट बी ट्रू रूट्स, इट्स फॉल्स रूट्स, राइजोइड स्टोलन। यहां पर आप देख रहे हैं किसको बोला गया, स्पोरेंजियोफोर, क्या बोला गया, स्पोरेंजियोफोर बोला गया। और स्पोरेंजियोफोर का टॉप रीजन आप देख रहे हैं फिगर में, देखिएगा स्पोरेंजियोफोर का टॉप रीजन ये क्लब शेप्ड है, मुग्धराकार है। इसके ऊपर की आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है, और सारी स्पोरेंजियम अब मैच्योर कंडीशन में आ रही है। जब स्पोरेंजियम मैच्योर कंडीशन में आ जाती है माय डियर फ्रेंड, इसके जितने भी स्पोर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको रेड कलर में दिखाया जा रहा है, ब्लैक कलर में दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से मैच्योर स्पोरेंजियम है। अब जब ये मैच्योर स्पोरेंजियम हो जाते हैं तो इसका स्पोरेंजियम डिविशन कर जाता है, फट जाता है, और सारे स्पोर इसके क्या होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। और जब सारे स्पोर इसके बाहर आ जाएंगे, वो हवा के साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ, वाटर के साथ, जो पानी जिसको बोला गया, वाटर बोला गया, पानी के साथ, हवा के साथ, या अन्य किसी जीव जंतुओं के साथ, या ह्यूमन बीइंग्स के साथ, या किसी न किसी तरह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। और जब क्लाइमेट इनके फेवरेबल मिलता है, ऐसे क्लाइमेट में जाकर कि ये फिर से अपने नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह से इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। अब आइए देखते हैं इसके बाद का, आप देख रहे हैं यहां पर हमने दिया है कि मार्केला, मार्केला मैंने दिया है, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मशरूम लाइक है, बट माय डियर फ्रेंड नॉट बी मशरूम लाइक, ये मशरूम की तरह की संरचना नहीं है। ऊपर से देखने पर लग रहा है मशरूम की तरह से है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में ग्रो करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि सारे मशरूम खाने लायक नहीं होते माय डियर फ्रेंड, जो सिंपली डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो कर जाते हैं, आप देख रहे हैं उन्हीं को आपने उखाड़ करके ले आया और उसकी सब्जी बनवा लेंगे, ऐसा गलती आप कभी मत करिएगा, क्योंकि उसमें पॉइजन होता है, पॉइजनस होते हैं, और ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो परिवार के लिए हानिकारक प्रभाव शो करेगा। तो माय डियर फ्रेंड इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मशरूम हम लोग खाते हैं, उस मशरूम के लिए अलग से उसकी कल्चरिंग करनी पड़ती है, अलग से उसकी खेती करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट हाई आती है, इसीलिए मशरूम की कॉस्ट हाई है, क्योंकि फार्मर को उसमें ज्यादा से ज्यादा पावर ऑफ एक्सपेंस, मनी का एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ता है। इस तरह से आपने देखा ये मनी का एक्सपेंस ज्यादा से ज्यादा करना पड़ रहा, लेकिन इस कैटेगरी में नहीं करना पड़ रहा, जो मशरूम हम खा रहे हैं उस कैटेगरी में करना पड़ रहा है, इस कैटेगरी के मशरूम को हम नहीं खाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आइए देखते हैं, यहां पर मैंने लिखा पेंसिलियम, माय डियर फ्रेंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेंसिलियम नोटेटम नाम के फंगस का डिस्कवरी किया, और इसी से इन्होंने सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन को बनाया, सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन को बनाया। और वो पेंसिलिन किससे बनाया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, पेंसिलियम से बनाया। ये पेंसिलियम है, और क्या है ये, फंगस है, क्या है ये, फंगस है।
इसको आप ध्यान में रखना है कि फंगस है। अगला आप देख रहे हैं ईस्ट सैक्रोमाइसिस या ईस्ट क्लास 9th के प्रैक्टिकल एग्जाम में है, क्लास 10th में है, क्लास 11th के बच्चों को इसके विषय में होल डिस्कस करना है, इसलिए मैंने कहा कि सारे बच्चे इसको पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, और अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आप उससे कुछ एनालाइज करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये ईस्ट है, ईस्ट जिसको हमने कहा कि ये खमीर बनाने के काम आता है, इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस सबसे तेजी के साथ होता है, और साथ ही साथ ये अभी आपको ध्यान देना है कि फर्मेंटेशन के साथ साथ इसमें ऐसे भी प्रोसेस बिगेन करते हैं, ऐसे भी स्थितियां आती हैं कि तेजी के साथ डेवलप करते हैं, और जहां पर जिस मटेरियल में इसको डाला जाता है ऐसा लगता है कि सड़ गया है, उबल रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला गया फर्मेंचर। फर्मेंचर मीन्स होता है टू बी बॉयल, उबलता हुआ सा। क्या बोलते हैं इसको? उबलता हुआ सा। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ये फर्मेंटेशन की क्रिया हुई, किण्वन की क्रिया हुई, तो किण्वन की क्रिया के पश्चात आपने देखा कि ऐसे ये उबलते हुए से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बॉयल कर रहे हैं, उबल रहे हैं, इसलिए इसको हमने कहा कि उबलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो ये प्रोसेस होता है किसका? ईस्ट का, जो कि फंगस है। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी फंगस हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ईस्ट हमारे लिए लाभदायक होता है, मशरूम हमारे लिए लाभदायक होता है, तमाम विशेष प्रकार के फंगस हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मैं कुछ फंगसों के नाम आपको बताने चल रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, सिट्रिक एसिड, यह एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड कहां पाया जा रहा है? एस्परजिलस नाइजर में पाया जा रहा है। भाई नींबू में होता है ना साइट्रेट, तो सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर में पाया जा रहा है। उसी पर गैलिक एसिड है, गैलिक एसिड है पेंसिलियम ग्लाकम में, गैलिक एसिड पेंसिलियम ग्लाकम में, ग्लूकोनिक एसिड पेंसिलियम परफ्यूरोनिज में, और लैक्टिक एसिड राइजोपस ओराइजी में। लैक्टिक एसिड दूध जिसे सफेद होता है, लैक्टिक एसिड, और दूध को ये डाई में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया, उनको एक्टिव करने वाले फंगस, आपने देखा राइजोपस ओराइजी, और आर्गेनिक एसिड को आपने देखा एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। अब ये कुछ ऐसे भी फंगस मैं आपको बताने चल रहा हूं, ऐसे भी फंगस है माय डियर फ्रेंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉडी में एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम। जैसे मैं कुछ एंजाइमों का नाम ले रहा हूं, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम जो बॉडी में है यह एस्परजिलस से होता है। किससे होता है? एस्परजिलस से होता है। दूसरा है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज है आइसोलेटोरिया साइक्रोमाइसिस, आइसोलेटोरिया साइक्रोमाइसिस, और जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम जो है ये साइक्रोमाइसिस का है। इस तरह से आपने देखा कि ये ढेर सारे ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर शो कर रहे हैं। अब आपको देख लें कि हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि इससे हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, कुछ मैं ऐसे फंगस का नाम बताऊंगा जिनके इफेक्ट से फार्मर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मैं कह रहा हूं बाजरे का अर्गट, जिसको कहा गया अर्गट ऑफ बाजरा। बाजरे में कभी कभी आप लोगों ने देखा जब उसके स्टेम को तोड़ा जाता है, उसमें रेड कलर की एक लाइन दिखाई देती है, जो रेड कलर की लाइन दिखाई देती है उसी रेड कलर की लाइन को कहा गया कि अर्गट ऑफ बाजरा। अर्गट ऑफ बाजरा जो होता है यह होता है क्लेविसेप्स माइक्रोसेफोला, क्लेविसेप्स माइक्रोसेफोला, क्लेविसेप्स माइक्रोसेफोला। और उसी में देखिएगा कि जौ में अगर जो पाया जा रहा है, जौ में जो पाया जा रहा है माय डियर फ्रेंड एस्टिलैगो न्यूडा होर्डाई, एस्टिलैगो न्यूडा होर्डाई, एस्टिलैगो न्यूडा होर्डाई। और इसी में आप देखा काफी का किट डिजीज, काफी में किट रोग होता है जो पूरे काफी की फसल को बर्बाद कर देता है, किट रोग होता है, काफी में किट रोग होता है जो
हेमिलिया वेस्ट्राइट्रिक्स, हेमिलिया वेस्ट्राइट्रिक्स, वेस्ट्राइट्रिक्स, हेमिलिया वेस्ट्राइट्रिक्स, नाम नोट करते चलिए, मैंने कहा कि आप लोग नाम नोट करते चलिएगा। तो इस तरह से कपास की, कपास में भी हो जाते हैं, और कपास में जो हो रहा है यह फ्यूजेरियम वाइस इंफेक्सेस, फ्यूजेरियम वाइस इंफेक्सेटस। इस तरह से आपने देखा कि फैमिली क्रूसीफेरी में आ जाइए, क्रूसीफेरी, फैमिली क्रूसीफेरी, एल्विगो सिस्टोपस कोनिडिया फंगस आता है। एक क्रूसीफेरी की स्पीसीज जो चल रही है, आपने देखा इसमें कहा जाता है माहू रोग लग गया है। माय डियर फ्रेंड, का देने से कोई रोग स्पष्ट नहीं हो जाता, माहू रोग का देने से कोई रोग स्पष्ट नहीं हो जाता। अब ये माहू डिजीज जो होती है, माहू रोग जो होता है, यह एक विशेष प्रकार के फंगस से होता है। किससे होता है? एक विशेष प्रकार के फंगस से होता है, और उस फंगस का नाम है एल्विगो सिस्टोपस कोनिडिया, जो उसके स्टेम पर काली सरसों, पीली सरसों, लाही, इनमें आप देख मूली, रेफेना सटाइवस, इनमें जब जो फ्लावरिंग होती है, इनके टॉप पोर्शन पर, शीर्ष पर जब पहुंचते हैं, तो शीर्ष पर पहुंचने के बाद इनके फ्लावर ब्लंट हो जाते हैं, अर्थात वहां से फिर दूसरा फ्लावर बिगेन नहीं कर पाता। सो माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर से दूसरा फ्लावर बिगेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के लिए ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ वहीं पर जाकर के रुक जाती है। ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसीलिए हम इनके ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और यहां तक कि जब हम ये क्लियर कर लेते हैं कि इनके ऊपर फंगस का अटैक हुआ है, तो हम फंगीसाइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फंगीसाइड का यूज करते हैं, और फंगीसाइड के यूज कर देने से आपने देखा कि इस तरह से इसमें इनका जो है इफेक्ट समाप्त हो जाता है। और इसी में से मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी रोग हैं जो कवकों के द्वारा होते हैं। टेरुलोसिस, टेरुलोसिस एक डिजीज है जो क्रिप्टोकोकस नीथोफोमेंग्स के द्वारा होता है, और मोनियेलियोसिस एक कैंडिडा एल्विकेंस के द्वारा होता है। कैंडिडा एल्विकेंस जो वर्म होते हैं, दांत खाज खुजली हो जाता है बॉडी में, तो इसके लिए भी फंगस इन्वॉल्व है माय डियर फ्रेंड। वो होता है ट्राइकोफाइट्रॉन। क्या होता है? ट्राइकोफाइट्रॉन यह एक ऐसा फंगस है जो आपके बॉडी में दांत खाज खुजली को उत्पन्न कर देता है। एलर्जी जो होती है, एलर्जिकल जो होते हैं, अल्टरनेरिया है, पेंसिलियम है, एस्परजिलस है, म्यूकर है, ये सब के सब जो होते हैं ये एलर्जेंस हैं, ये एलर्जेंस होते हैं, और इनके इफेक्ट से बॉडी में ढेर सारे डिजीजेस जो है पैदा हो जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, सन 1993 में आपको ये बता दें कि जो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस बंगाल में चावल की खेती पर बहुत बड़ा अटैक किया, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। लगभग इसमें 20 लाख लोग मारे गए थे, लगभग इसमें कितने 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि 1943 की घटना है, और यह फंगस हमारे लिए इतने हानिकारक होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड और हम्बल रिक्वेस्ट यू, किसी फंगस का यूज करने से पहले उसके विषय में स्टडी करना अनिवार्य होता है। कई बच्चों ने मेरे पास इस तरह के मैसेज को डिलीवर किया, भेजा मेरे मैसेज को भेजा मेरे पास, तब जाकर के मैंने अपने अगले टॉपिक को ब्रेक करके आपको फंगस बताना शुरू किया। सर जी, कुछ फंगस के विषय में आप स्टडी करवाइए। हायर क्लास के बच्चों ने इसके विषय में जो है क्वेश्चन अराइज किया है, तो मैं इस फंगस के विषय में और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फंगस के विषय में मैंने अध्ययन कराया, आपको बताया आपको। तो मैंने लास्ट में आपको यह भी बता दिया कि मुख्य रूप से स्किन डिजीज ह्यूमन बींग्स में होती है, स्किन डिजीज ह्यूमन बींग्स में भी ये कॉज कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी तरह से फंगस से अलर्ट रहना है, और ध्यान भी देना है
मैंने कहा भी आपसे कि सारे के सारे फंगस हार्मफुल नहीं होते हैं, कुछ जो है हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं। जो लाभदायक है मैंने उनकी गणना किया और जो हानिकारक है मैंने उनकी गणना किया। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से फंगसों के विषय में अध्ययन की श्रेणी को मैंने बढ़ाया, आपको बताया आपको। अब यहां पर आपको कुछ ऐसे भी पॉइंट्स के विषय में आपको बताना चाहूंगा कि फंगस जो कि मैंने पहले ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बोल दिया है, इसी लेक्चर मैंने बोल दिया है कि ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी नहीं होते। व्हाई? बिकॉज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एब्सेंट। माय डियर फ्रेंड, इफ एनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आर प्रेजेंट सिंस दे हैव सिंपली बी मेड देयर फूड इटसेल्फ, अगर इसमें किसी भी प्रकार का प्लास्टिड होता तो ये अपना भोजन स्वयं बना सकते थे, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पा रहे हैं, जिससे यह विदित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, जिससे यह विदित हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि ये पूरी तरह से पैरासाइट वे में है, परजीवी में है। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने फंगस के विषय में ढेर सारे डिस्कस आपको करके बता दिए हैं। अब डेवलपिंग फंगस में राइजोपस है, ईस्ट है, ये सारे फंगसों के विषय में अगर आप लोगों का कहना होगा, आप लोग अगर कुछ एनालाइज करेंगे तो मैं इसके विषय में और सारा डिटेल आपको दूंगा, एक एक फंगस के विषय में डिटेल दूंगा। अभी आपके जितने क्वेश्चन आए थे मैंने उनका आंसर आपको दिया। तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कादरी के माध्यम से आप लोगों को आज फंगस के विषय में बताया, और यह बता दिया मैंने आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस क्या होते हैं। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, लाइक न किया हो, शेयर न किया हो, माई हम्बल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज माई डियर चिल्ड्रेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब माई चैनल, देन यू डिलीवर टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज यू आर ऑलरेडी बी कॉन्टेक्टिंग विथ यू। जो जितने भी लोग आपके संपर्क में हैं, आप सभी लोग, आप जो है जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो तो उनके पास तो मैसेज हमारा जाएगा ही, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों तक भी मेरा ये मैसेज जाना चाहिए और मेरा ये पॉइंट्स, मेरा ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और अगले टॉपिक को आपके क्वेश्चन के अनुसार शुरू करूंगा, नहीं तो फिर मैं अपने पुराने टॉपिक पर आ जाऊंगा, और वहां पर मैंने पार्ट वन अभी आपको पढ़ाया है और पार्ट टू को मैंने हमको पढ़ाना है, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोम्स, जेनेटिकल क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस कैसे होती है, ये टॉपिक मैंने पार्ट वन करके ही छोड़ दिया है, उसके टॉपिक को मैं हमको और आगे लेके चलना है। तो मैं अलीमुद्दीन से कादरी आज यहीं पर जो है अपने टॉपिक को समाप्त करता हूं, आप सभी से विदा लेता हूं, थैंक यू।